हेलो एवरीवन, पीकेबी रीट 100 टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज हम करेंगे मैथ्स पेडागोजी 3 का मॉक टेस्ट नंबर 26। मैथ्स पेडागोजी में ये तीसरा मॉक टेस्ट है और पीकेबी रीट 100 टेस्ट सीरीज का ये मॉक नंबर 26 है। इसके अंदर हम करेंगे गणित शिक्षण से आधारित सवाल जो प्रीवियस पेपर्स में आ रखे हैं। उन तरीके के क्वेश्चंस अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे और हमें गणित शिक्षण की क्या क्या नीतियां हैं, क्या क्या उससे आधारित प्रश्न आते हैं, तो उनकी भी हमारी रिवीजन हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे रीट 2015 लेवल 2 के मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज, यानी गणित की प्रकृति कैसी है? लॉजिकल, यानी लॉजिक तर्क पे आधारित है। बिल्कुल सही, गणित एक तर्क पे आधारित है, लॉजिक है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वस्तुनिष्ठ है। सत्य के बारे में ये कहता है कि एक सत्य है और उस लॉजिक को जो, यानी कोई भी चीज जो मैथ्स में है वो लॉजिक पे आधारित है। आप करो चाहे आप दूसरे देश में कोई बैठ के कर रहा हो, लॉजिक सेम ही रहता है, बदलता नहीं है। इसके अंदर सब्जेक्टिविटी नहीं है, इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी है। तो पहला ऑप्शन ही सही लग रहा है हमें। मैथ्स का नेचर कठिन है। भाई आपको कठिन लग सकता है मगर अपने आप में मैथ्स का नेचर जो है वो कठिन नहीं है, वो तो बहुत ही सरल है। यानी कि दो और दो चार अगर मैं कहूंगी तो भी चार है, अगर कोई अमेरिकन कहेगा तो वो भी चार है, तो कुछ फर्क तो नहीं हुआ। डिफिकल्टी हाँ ये है कि हम मैथ्स की लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, उसको डेली लाइफ एक्सपीरियंस से नहीं जोड़ पाते, इसलिए हमें सब्जेक्ट मैटर के तौर पर गणित मुश्किल लगता है, जबकि अपने आप में मैथ्स जो है वो बहुत ही सरल है। तो देखिए जब पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए ना, चाहे बेशक आपको डिफिकल्ट लगता हो मगर इसको आंसर मत करके आना। मैथ्स का नेचर तो जबकि बहुत ही सरल माना गया है। क्या ये अलंकारिक है? अलंकारिक यानी ऑर्नामेंटल। भाई ऑर्नामेंटल जो होती है ना, ये लैंग्वेज के बारे में होती है, जिसमें श्रृंगार रस छंद पदबंध ऐसी बातें होती है, जैसे भाषा को और किस किस तरीके से आप अपने भावों को देते हैं, अच्छे अच्छे शब्द चुनते हैं। तो ऑर्नामेंटल जब आता है ना तो वो मैथ्स के लिए यूज नहीं किया जाता, लैंग्वेज के लिए यूज किया जाता है। इट इज नॉट फॉर एवरेज स्टूडेंट्स, यह औसत विद्यार्थियों के लिए नहीं है। बिल्कुल ही गलत है, गणित जो है वो सबके लिए है और गणित की एक गणितीकरण करना वही मैथ्स की सबसे बड़ी एनसीएफ 2005 भी कहता है कि हमें बच्चों के अंदर गणितीकरण करना सिखाना है, यानी मैथ्स को जो है वो उस नेचर को अपना पाए और उस तरीके से सोच पाए। ये एक तरीके की सोच है जो कि हमें बच्चों के अंदर डेवलप करनी है इस विषय को लेकर। तो ये सिर्फ एवरेज बच्चों के लिए, सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों के लिए ऐसा नहीं है, मैथ्स जो है वो सबके लिए है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है 1। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस टीचिंग हेल्प्स, अभ्यास शिक्षण निम्न में से सहयोग करता है। यानी कि अभ्यास प्रैक्टिस टीचिंग आप कर रहे हैं तो वो किस किस चीज में मदद करेगी? यानी कि जैसे कि जो आपकी बीएड में और जो डाइट में आप प्रैक्टिस टीचिंग करते हैं ना, उस हिसाब से ये क्वेश्चन है। इंक्रीज करेगी लर्निंग ट्रांसफर को, यानी अधिगम स्थानांतरण में वृद्धि करेगी। हाँ वो तो करेगी, आप ट्रांसफर कर पाओगे जो आपने सीखा, फिर आप एक परमानेंट टीचर होकर पढ़ाने लगते हो तो वो ट्रांसफर करोगे ना आप उस लर्निंग को, जो आपने एक्सपीरियंस पहले लिए उन्हीं एक्सपीरियंस पे आप बिल्ड ऑन करके आप जब पूरी तरीके से परमानेंट टीचर लगते हो तो आप कैसे, आपको मदद करेगा शिक्षण में, तो वो आप कर सकते हो। इंक्रीज करता है अंडरस्टैंडिंग सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। एक सवाल के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती है। हाँ होती है भाई, प्रैक्टिस टीचिंग से। डेवलप करती है एफिशिएंसी यूज ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, आप कैसे थियोरेटिकल नॉलेज को कितनी इफेक्टिवली यूज कर रहे हो। हाँ ये भी होता है। टू वर्क क्विकली ऑन एनी प्रॉब्लम, किसी समस्या के शीघ्र कार्य करने पर आधारित। तो सेकेंड के अंदर तो सारे ही ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, तो इसलिए जो बोर्ड था, आरपीएससी जो बोर्ड था, उसने एक बोनस मार्क्स दिया था सबको, यानी चारों ऑप्शन ही ठीक थे तो इसलिए बोनस मार्क्स है इसमें। थर्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन मैथमेटिक्स इज, क्रियात्मक गणित का क्या महत्व है? यानी करके देखना, तो इससे आप जब गणित कर कर देख रहे होते हो, यानी कि आप जो है अप्लाई कर रहे हो, बाहर आप सब्जी लेने जा रहे हो तो आप गणित का जो प्रयोग कर रहे हो तो वो है एक्शन मैथमेटिक्स। इसमें आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिल रहा है, प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हो, आप पैसे का आदान प्रदान लेन देन कर रहे हो तो वो तो है। लर्निंग बाय सेल्फ डूइंग, आप खुद करके देख रहे हो, ऐसा अधिगम है जिसमें आप खुद अब क्रियात्मक रूप से, एक्टिव रूप से इन्वॉल्व हो और खुद वो आदान प्रदान कर रहे हो, तो ये भी है। टू बी परमानेंट एंड क्लियर ऑफ कॉन्सेप्ट, हाँ जब आप लर्निंग बाय डूइंग करते हो ना तो आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी काफी बढ़ती है, यानी आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो तो आप चीज को और अच्छी तरह समझते हो, और किसी चीज को आप जितना अच्छी तरह समझ जाते हो ना तो लर्निंग उतनी ही अधिगम, उतना ही परमानेंट यानी
स्थाई हो जाता है। तो इस एक्शन मैथमेटिक्स के अंदर ये बात भी होती है। तो आंसर आ गया हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव, सब कुछ होता है इसके अंदर। क्रियात्मक गणित में प्रत्यक्ष अनुभव, स्वयं करके सीखना, अवधारणाओं का स्पष्ट एवं स्थायी होना, चारों बातें होती हैं। पार्ट ऑफ लैंग्वेज ऑफ मैथ्स यानी गणित की भाषा का अंग है, साइन है। हाँ भाई, जमा, घटा, गुणा, भाग, ये सारे साइन है जो कि मैथ्स की लैंग्वेज का भाग है, साइन तो है। नंबर और नंबर के वेरिएबल्स, अब नंबर है और उनसे रिलेटेड वेरिएबल जैसे एक्स, एक्स प्लस वाई, और इस तरीके से आप जो करते हैं वेरिएबल लेते हैं यानी जिसको वेरी करते हैं वो कहलाता है वेरिएबल। तो नंबर और नंबर से रिलेटेड वेरिएबल्स, x³, x⁴, तो ये सब जो है ये भी पार्ट है। फॉर्मूला, जैसे कि आपका जो है फॉर्मूला हो गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसी स्क्वायर का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, एरिया जो है वो ए स्क्वायर। तो आपने क्या बनाया है, ये फॉर्मूले बनाए हैं, गणित के सिंबल्स को यूज किया है, गणित के जैसे नंबर्स को आपने वेरिएबल की फॉर्म में दिखाया और फिर आपने उसे एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाया जिसमें आप वैल्यू पुट कर करके वो हर एक चीज के लिए मान्य होता है। तो ये भी लैंग्वेज है मैथ्स की, तो इसलिए इसका ऑप्शन आ गया डी, उपयुक्त सभी। तो संकेत भी, संख्या, संख्या चर भी, सूत्र भी, उपयुक्त सभी गणित की लैंग्वेज की भाषा का पार्ट है, तो इसलिए इसका आंसर डी है। गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है? अब गणित शिक्षण का महत्व अपने आप में बहुत बड़ा है, गणित बहुत ही जरूरी है। गणित जो है वो लॉजिको मैथमेटिकल थिंकिंग डेवलप करता है, तो वो तो अपने आप में बहुत जरूरी है करना। उसका सीधा साधा स्पष्ट रिलेशनशिप जो होता है ना वो फिजिक्स और साइंस से है, क्योंकि साइंस जो देखा जाए ना अपने आप में, जो साइंस है उसका जो नेचर होता है ना वो ऑब्जेक्टिव होता है, साइंटिफिक होता है। जो ट्रूथ होता है ना वो मल्टीपल नहीं होता, बहुत सारे ट्रूथ नहीं होते, सब्जेक्टिविटी नहीं होती, ऑब्जेक्टिविटी होती है, यानी एक तरीके का प्रोसीजर भी होता है जिससे आप निष्कर्ष की तरफ जाते हो, हाइपोथेसिस बनाते हो, उसको टेस्ट करते हो और एक रिजल्ट निकालते हो, और वो रिजल्ट अगर कोई और भी निकाले तो सेम ही रिजल्ट आता है। तो साइंस अपने आप में इस तरीके के नेचर की है। तो इसके लिए जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस है, मैथम गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है, वो साइंस में महत्व है, क्योंकि साइंस में आप फिजिक्स के अंदर गणित का बहुत ज्यादा यूज करते हो। कैसे रॉकेट को जो है वो अर्थ की पेरिफेरी को छोड़कर चला जाए, तो आप ग्रेविटी, एस्केप, वेलोसिटी, ये सब के लिए गणित के नंबरों का यूज करते हो ना, सूत्रों का प्रयोग करते हो, तो साइंस में बहुत ज्यादा यूज होता है मैथ्स टीचिंग का। समाज, प्रिंस, समाज हो गया, जैसे समाज हो गया ना, सोशियोलॉजी। अब भाई आप ये देखिए, जो सोशियोलॉजी है ना वो हमारा आर्ट्स का सब्जेक्ट है, अगर आप देखेंगे आगे एमए आर्ट्स जब करेंगे, और प्रिंसिपल्स और लॉजिक्स ये जो है ये फिलोसफी, दर्शन शास्त्र का के अंदर आते हैं, क्या सच है, क्या झूठ है, भगवान क्या है, तो ये भी आर्ट्स हो गए। तो आर्ट्स वाली जो जितनी होगी ना उनका जुड़ाव मैथ्स से नहीं होगा, मैथ्स का जो होता है वो जुड़ाव साइंस से होता है। इसलिए आप देखेंगे कि लेवल 2 में जब आपका रीट का पेपर होता है तो मैथ्स साइंस का एक साथ होता है 30-30 नंबर का, और SST का अलग होता है। क्यों? क्योंकि मैथ्स और साइंस आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस सवाल के अंदर आप देखें गणित शिक्षण का विज्ञान विषय में बहुत महत्व है। इसको सब्जेक्ट की फॉर्म में देखा गया है कि सब्जेक्ट के तौर पे देखिए, जैसे समाज में गणित तो यूज हो जाता है, मगर इन्होंने एज ए सब्जेक्ट जैसे सोशियोलॉजी और मैथ्स का रिलेशनशिप उस तरीके की बात में इस क्वेश्चन को लीजिएगा, इसलिए इसका आंसर साइंस है। सुटेबल मेथड ऑफ अर्थमेटिक टीचिंग, अब अर्थमेटिक आपको सिखाना है यानी कि अर्थमेटिक जो हो गया वो आपको सिखाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप प्रोजेक्ट मेथड करेंगे, यानी कि एक प्रोजेक्ट देंगे बच्चों को जिसपे वो लगा रहेगा, फिर उस पर वो कुछ निष्कर्ष निकालेगा, नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन यानी खुद करके उस कुछ प्रदर्शन करके बच्चों को समझाएंगे, वो भी नहीं, एनालिसिस चीजों को तोड़ कर देखेंगे बच्चे, हाँ ये बिल्कुल सही है, विश्लेषण विधि, ये अर्थमेटिक सिखाने के लिए बिल्कुल आसान है और बढ़िया भी है। चीजों को तोड़कर बच्चा जो है अगर देखता है तो वो अर्थमेटिक को अच्छी तरीके से समझता है। अंक गणित यानी अंकों से रिलेटेड गणित को बच्चा जो है पैटर्न देखेगा, तो बच्चा एक इस तरीके का पैटर्न देखेगा तो वो देखेगा हर बार 2 की पावर 2 से गुणा हो रहा है, या फिर ये तो मैंने बड़े लेवल का ले लिया, जीपी ले लिया, बच्चा जो है 2, 5, 7, 9 इस तरीके से जो है वो बेसिक नंबरों के साथ जो ऑपरेशंस हो रहे हैं ना वो सब अर्थमेटिक के अंदर आ रहा है। तो वो इस तरीके के पैटर्न आइडेंटिफाई करना, तो चीजों को जब तोड़ कर देखेगा ना, एनालिसिस करेगा उनका छोटे छोटे भागों को, तो उससे वो जो है वो अंक गणित का शिक्षण में वो काफी मदद होगा।
अर्थमेटिक आपने देखा भी होगा, हमारा छोटे लेवल पे ज्यादा हम फोकस करते हैं प्राइमरी लेवल के अंदर, और इसलिए ही प्राइमरी लेवल पे एनालिटिकल मेथड बहुत ज्यादा माना जाता है। और जैसे आप जो होते हैं मिडिल स्कूल में आते हैं, तो वहां पे डिडक्टिव मेथड को हम ज्यादा फोकस देने लग जाते हैं, यानी फॉर्मूले देने लग जाते हैं। तो इसलिए अर्थमेटिक टीचिंग के लिए सुटेबल मेथड जो है वो है एनालिटिकल मेथड, यानी विश्लेषण विधि, चीजों को तोड़कर देखना, उनको समझना, और जिससे आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी ज्यादा होती है। एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? अब एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में तीनों उद्देश्य की बात करता है, कॉग्निटिव, संज्ञान, दिमाग, मस्तिष्क से जुड़े हुए उनकी भी करता है, ठीक है। अफेक्टिव यानी भावनात्मक, भाव से जुड़े हुए, कोई बच्चा परेशान है तो उसको भी टीचर को केटर करना है, ठीक है। साइकोमोटर, मोटर डोमेन यानी मन संचालक, यानी कि मतलब मांसपेशियों से आधारित, बच्चे को एक्टिव बनाना है, तो बच्चे से आप कोई एक्टिविटी करा रहे हो, जो हाथों से कर रहा है उसको जंप करवा रहे हो, तो उसको एक्टिवली इन्वॉल्व कर रहे हो। तो तीनों तरीके के ऑब्जेक्टिव जो होता है टीचर कोशिश करता है अचीव करने की अपनी शिक्षा के दौरान, शिक्षण के दौरान। कि सिर्फ कॉग्निटिव करते रहोगे तो बच्चा जो है वो अगर भावनात्मक रूप से परेशान है, तो वो चाहे आप उसे कितना ही अच्छा पढ़ा रहे होगे, तो वो ज्ञान संज्ञान में वो इतना नहीं ले पाएगा, वो उस चीज को उतना नहीं समझ पाएगा। तो उसके अफेक्टिव डोमेन को भी केटर करना बहुत जरूरी है। साइकोमोटर डोमेन, बच्चा एक्टिव होगा, चीजों को कर कर देखेगा, लर्निंग बाय डूइंग करेगा, तो लर्निंग जो है अधिगम जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा और क्लासरूम टीचिंग भी इफेक्टिव होगी। इस क्वेश्चन का आंसर है डी, उपयुक्त सभी। इम्पॉर्टेंस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टेस यानी नैदानिक परीक्षण की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या उसका महत्व है? उसकी इम्पोर्टेंस है भाई टीचिंग में, शिक्षण में। हाँ बिल्कुल सही, उसकी शिक्षण में इम्पोर्टेंस है। वो कैसे है आप देखिए, नैदानिक परीक्षण जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और कमी को, ताकि फर्दर टीचिंग हो सके। एक तरीके से आप जो है डायग्नोस कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि कमी कहाँ है, कौन सी स्ट्रेंथ है और कौन सी कमी है, फिर आप अपनी टीचिंग को मॉडिफाई करके उस बच्चे की मदद कर पाते हैं। आप फोकस करते हैं डिफिकल्ट वाले एरिया पे, बिल्कुल सही। आप सिंपल आइटम्स देते हैं, आप स्कोरिंग के चक्कर में नहीं पड़ते, आप जो है स्कोर नहीं करते, आप ऐसा सामान देते हैं जिससे पता चल जाए कि बच्चे के इस क्षेत्र में उसे कमी आ रही है। तो ये जो हो गई, ये क्वालिटेटिव हो गई, गुणात्मक हो गई, ठीक है। छोटी छोटी डिटेल्स पर आप अटेंशन देते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं रखते कि इतने टाइम में इसे पूरा करना है, कोई नॉर्म्स नहीं है कि आपको इससे मिलान करना चाहिए, कि इतना आना चाहिए, वो सारी बात नहीं है। क्या नहीं आ रहा, कहाँ नहीं आ रहा, उस पे फोकस होता है आपका। टेस्ट आइटम्स रिपीटेटिव होते हैं, आपने एक बार दे दिया, आपने देख डायग्नोज कर लिया कि हाँ ये दिक्कत है, आपने फिर उस तरीके से फिर आपने टीचिंग करवाई, शिक्षण कराया, फिर उसके बाद आपने दोबारा वही आइटम्स रिपीट करके दे दिए जांचने के लिए कि क्या बच्चे को अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो टेस्ट आइटम्स रिपीट हो जाते हैं। ऑलवेज फॉलोज एन अचीवमेंट टेस्ट, एक अचीवमेंट टेस्ट के बाद आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, क्योंकि अचीवमेंट टेस्ट में पता चल जाता है कि बच्चे को कितना आया, और फिर जो नहीं आया उसकी कमी कहाँ नहीं हो रही, तो उसके बाद है ये आप जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। तो ये अचीवमेंट टेस्ट जो है के बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट, और डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद रेमेडियल टेस्ट, आप रेमेडी देते हैं, यानी कि आप इलाज, उपचारात्मक काम करते हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट काउंसलिंग और गाइडेंस में भी बहुत जरूरी है। हाँ ये सही है, क्योंकि आप जो है काउंसलिंग और गाइडेंस में आप देख पाएंगे कि किस क्षेत्र में क्या कमी है। कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर जैसे कि कोई ऐसा क्षेत्र है, जैसे मन को लेकर कोई चीज है, परेशानी हो रही है, तो उसमें आप डायग्नोज किया आपने कि इसको इस चीज में इमोशनल प्रॉब्लम है, फिर आपने काउंसलिंग और गाइडेंस फिर उस हिसाब से करें, ठीक है। आप अरेंजमेंट करते हैं रेमेडियल टीचिंग का, वो तो मैंने आपको बताया ही कि अचीवमेंट, ऑलवेज फॉलो एन अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, उसके बाद आपने किया डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है, फिर उसके बाद आपने किया रेमेडियल टेस्ट। रेमेडियल टीचिंग या जो भी है आपको निदान, आपने निदान करने के बाद उपचार क्या किया, वो है उपचार, रेमेडी। तो इसलिए इसका आंसर आ गया डी, ऑल ऑफ दिस। मैथ्स के अंदर, मैथ्स टीचिंग के अंदर यानी गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका क्या है? एक फिलोसोफर की, एक फ्रेंड की, एक काउंसलर की, या ऑल ऑफ द अबव? अब भाई ये थोड़े ऑप्शन ना डाइसिस हैं, मतलब कि फ्रेंड तो मान लिया कि हम टीचर जो है वो दोस्त की तरह मदद करता हुआ, मतलब साथ में बच्चों के साथ काम करेगा, तो फ्रेंडली रिलेशनशिप होगा, बढ़िया है ये आंसर। काउंसलर, काउंसलर के तौर पे वो देखेगा कि बच्चे की कहाँ गलती हो रही है और उसके सांवेगिक पक्षों को भी केटर करेगा, तो ये भी ठीक है। ये दो तो ठीक हो गए, इसलिए हमने
आंसर जो है वो ऑल ऑफ दिस लगा दिया। दार्शनिक जो है मैथ्स टीचर का होना वो मुझे इतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं लग रहा, मगर तीनों ही ऑप्शन, चारों ही ऑप्शन में फिर डी जो है वो ज्यादा सार्थक है, तो इसलिए हमने डी लगा दिया। और जो आंसर की है बोर्ड की, उसने भी डी को ही माना है। सुटेबल मेथड ऑफ मैथमेटिक टीचिंग इज, गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है। अब गणित शिक्षण करने की उपयुक्त विधि क्या व्याख्यान विधि है? नहीं, व्याख्यान विधि में तो टीचर एक्टिव रहता है, टीचर बोलता रहता है, बच्चा पैसिव रहता है, वो सुनता रहता है, तो इस तरीके से तो ये नहीं है, क्योंकि गणित शिक्षण जो है वो तो आप इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, उसके लिए सबसे बढ़िया मेथड होता है, यानी आगमन और निगमन विधि। आगमन के अंदर क्या हो गए, आप जो है एग्जाम्पल से रूल बनाते हो, ठीक है, और निगमन के अंदर आप रूल से एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हो, ठीक है। ये दो तरीके के प्रोसेस है। आगमन जो है वो छोटी कक्षाओं में ज्यादा होता है, प्राइमरी लेवल पे, और जब आप सेकेंडरी लेवल पे आते हो तो निगमन विधि का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। एलजेब्रा के अंदर जैसे फॉर्मूले दे दिए जाते हैं और उस पर फिर आप स्पेसिफिक वैल्यूज पुट कर करके जो है क्वेश्चंस करते रहते हो, तो आगमन और निगमन विधि है ना, वो सबसे बढ़िया मेथड है गणित शिक्षण का। डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है, सिर्फ करके सामने टीचर दिखा देगी तो बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना, उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी होगी। आगमन और निगमन के अंदर तो बच्चा जो है वो कॉन्सेप्ट की बहुत सारी चीजों को समझ पाता है, उसको एनालिसिस कर पाता है, उसकी चीजों की स्पष्टता क्लैरिटी ज्यादा हो पाती है, तो इसलिए इसका आंसर सी है। लेक्चर मेथड तो भाई ये जो है कॉलेज वगैरह में यूज करने का मेथड है, छोटे बच्चों के साथ तो वैसे भी ये इफेक्टिव नहीं है, तो लेक्चर तो कभी भी मत लगाना। डेमोन्स्ट्रेशन ज्यादा फिजिक्स, ये साइंस वाले जो पेडागोजी के क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें थोड़ा बहुत आ सकता है कि टीचर जो है वो कर कर बच्चों के सामने दिखा रही है, मैथ्स में नहीं है ये इतना सुटेबल, उपयुक्त सभी इसका आंसर नहीं है। अब हमारे क्वेश्चन है वो है आर टेट 2012 L2 के क्वेश्चन। मैथमेटिक्स इज दैट लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन द होल वर्ल्ड और यूनिवर्स। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यह कथन किसका है? भाई ये कथन जो है वो गैलीलियो का है। गैलीलियो ने कहा था कि जो है हमारा, पहले ये कहा जाता था कि अर्थ जो है वो सेंटर है, ठीक है, मगर गैलीलियो और सूरज जिसके चारों ओर घूमता है, गैलीलियो ने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया और उसने कहा था कि हमारा सन सेंटर में होता है और अर्थ उसके चारों ओर घूमती है, तो इस तरीके से उसकी बात की थी। तो आप यह देख सकते हैं कि एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड इसकी और बातें थी, और इस ये स्टेटमेंट जो है तो फिर यूनिवर्स के बारे में, और तो आप देख सकते हैं थोड़ा रिलेट करके कि ये गैलीलियो ने कही है। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड, अब ब्रह्मांड जो है वो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड आप जोड़ लेना और एस्ट्रोनॉमी को गैलीलियो से जोड़ लेना, तो आपको थोड़ा ज्यादा याद रहेगा। इन क्वेश्चंस को यही तरीका है, थोड़ा मिलते जुलती कॉन्सेप्ट्स को जानो और फिर उस तरीके से थोड़ा रिलेट कर लो, तो आपको आइडेंटिफाई कर पाओगे आप आसानी से अगर पेपर में आता है तो। सारी स्टेटमेंट्स को रट कर किसने क्या कही क्या कही वो नहीं हो सकता भाई, हमारा दिमाग कंप्यूटर नहीं है। हाँ, हमें रिलेशनशिप्स अच्छे बनाने हैं, यानी कि हमें वो जो संबंध है ना गैलीलियो का एस्ट्रोनॉमी से, और एस्ट्रोनॉमी का देखो ये ब्रह्मांड की इसमें बात है, तो इन तीन चीजों का जब हम बना लेंगे ना एक ट्रायंगल सा, तो पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हमें आसानी हो जाएगी। यही तरीका होता है ऐसे क्वेश्चंस को करने का, जो मुझे सही लगा। आपको शायद और भी कोई बेहतर आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इस तरीके से करती थी और कर ही रही हूँ अभी भी आपको बता रही हूँ। तो प्रोफेसर शुल्जे शुल्ज के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अब गणित पढ़ाने को लेकर, मैथ्स टीचिंग को लेकर प्रोफेसर शुल्जे ने एम दी कि क्या है, वो है भाई मेंटल पावर को बढ़ाना, यानी मानसिक शक्ति का विकास गणित से होता है, तो ये उसने बात की। अदर डिसिप्लिन में हेल्पफुल होगा, तो देखो ये तो बड़ी जनरल सी स्टेटमेंट है ना, कोई नहीं कहेगा ऐसी, मतलब कि हर एक किसी के नाम से ऐसी बात को कहा जाए, वो तो गणित का उपयोग इसमें भी हो रहा है, ये तो बहुत जनरल स्टेटमेंट है, तो प्रोफेसर शूल्स का नाम आया है तो उसने कुछ स्पेसिफिक बात कही होगी ना, तो उसने स्पेसिफिक बात की है मेंटल पावर को लेकर। प्रॉपर यूज होता है खाली टाइम का, भाई ये भी बेकार बात। टू मेक अवेयर ऑफ बेसिक एंड जनरल प्रिंसिपल्स, ये भी बहुत जनरल सी स्टेटमेंट है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। तो कई बार ऑप्शंस में भी आप थोड़ा कॉग्निजेंट होंगे ना, यानी अवेयर होंगे, तो आप आंसर को सही आइडेंटिफाई कर पाएंगे। द स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट दे रखी है कि द स्टूडेंट्स हु कांट अंडरस्टैंड ज्योमेट्री आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस स्कूल। जो विद्यार्थी ज्योमेट्री नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है? भाई आज की डेट में तो ऐसा कथन कोई कह ही नहीं सकता कि तुम स्कूल नहीं आ सकते। पहला
के जमाने रहे हैं, उसमें किसी ने कहा है तो वो देख लेते हैं वो किसने कहा है, ये ऐसा कहा है भाई प्लेटो ने, ठीक है याद रखिएगा। अब जिस विधियों पे बहुत सवाल आते हैं, आगमन, निगमन, एनालिसिस, सिंथेसिस, ये चारों मेथड ना अच्छी तरह से पढ़ के जाना, और कंफ्यूज जो है हो रहे हैं ना अगर इनके अंदर, तो वो कंफ्यूजन हटा के जाना, क्योंकि इन पे क्वेश्चन मुझे लगता है जरूर आएगा। ठीक है, आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? ठीक है, आगमन से आप क्या करते हैं? आगमन से आप जो है एग्जाम्पल से आप रूल बनाते हैं, ठीक है याद रखिएगा। तो आप क्या बना रहे हैं? एस्टैब्लिश कर रहे हैं फॉर्मूले को, सॉल्व करना प्रॉब्लम एक फॉर्मूले के साथ, वो तो एक वही डिडक्टिव है, वो आगमन नहीं है। ठीक है, अंडरस्टैंड करना प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए आप एनालिसिस करते हैं, यानी उसे तोड़कर उसका आप उसे तोड़ते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। फॉर्मुलेट करना प्रॉब्लम, सवाल बनाना, प्रॉब्लम बनाना, वो भी इंडक्टिव नहीं है। ठीक है, अब इंडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि क्या है? वो सूत्र स्थापित करने के लिए है। आंसर तो हमें पता चल गया, मगर अब हम समझते हैं कि इंडक्टिव मेथड अपने आप में होता क्या है। इंडक्टिव मेथड जो है ना वो नई नॉलेज देता है, वो एक मेथड है डिस्कवरी का। ठीक है, इसमें बच्चा जो होता है फर्स्ट हैंड नॉलेज लेता है और इंफॉर्मेशन लेता है, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन करता है, और उसके बाद वो एक फॉर्मूला बनाता है। तो ये अपने आप में एक स्लो प्रोसेस है, क्योंकि आपने फॉर्मूला बनाया है, आपको बना बनाया फॉर्मूला डिडक्टिव की तरह दे नहीं दिया, आप आगमन कर रहे हो। इट इज फुल ऑफ एक्टिविटी, इसमें बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है, क्योंकि आप हमेशा बना रहे हो, कोई फॉर्मूला बना रहे हो, तो चीजों को जैसे कि आपने, आपको ये अलग अलग शेप्स के ट्राइंगल दे दिए, ठीक है आपने सबके जो है कोनों को नापा, ठीक है, और उसके बाद आपने एक फॉर्मूला बनाया कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ये आपने बहुत सारे ट्राइंगल दिए बच्चों को, उन्होंने एंगल नापे, और उसके बाद उसने कहा कि प्रोट्रेक्टर से डी से नापे, और उसके बाद कहा कि तीनों का सम जो आता है भाई वो 180 आता है, तो ये एक सूत्र बना लिया ना, तो ये कहलाता है हमारा आगमन विधि का एग्जाम्पल। इट इज एन अपवर्ड प्रोसेस ऑफ थॉट एंड लीड्स टू प्रिंसिपल। अब इसके तहत आप क्या बनाते हैं? प्रिंसिपल बनाते हैं, और क्या बनाते हैं आप? एक फॉर्मूला बनाते हैं। इसके गुण क्या क्या हैं? ये रोचक व मनोवैज्ञानिक प्रणाली है, क्योंकि बच्चा इसके अंदर एक्टिव रहता है, स्वयं के प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं, बिल्कुल ही सही, निरीक्षण शक्ति का भी विकास करती है, आप जो है वो बार बार देखते हो कि हाँ यहाँ सही है यहाँ गलत है, तर्क शक्ति का विकास करती है, बिल्कुल सही, सरलता से नियम निर्माण करती है। अब इसका दोष क्या क्या है? ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, उच्चतर कक्षाओं के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है, उच्चतर कक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है डिडक्टिव यानी निगमन, आगमन नहीं निगमन। सीखने में समय एवं शक्ति का अत्यधिक अपव्यय होता है, सभी विषयों का शिक्षण नहीं किया जा सकता। अब विशेष क्या है इसमें? वो ये है, गणित शिक्षण की आगमन विधि एक सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है। इस विधि में छात्र उदाहरण द्वारा किसी सामान्य नियम का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आगमन विधि में मुख्य रूप से 3 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। आप देखिए, आप जो है स्पेसिफिक से, यानी आपने स्पेसिफिक एग्जाम्पल लिए, ये अलग अलग शेप के ट्राइंगल, और आपने एक जनरल रूल या प्रिंसिपल बना दिया। आपने ज्ञात, आपको जितना नोन था ठीक है, उससे आपने एक अननोन की तरफ आप गए। वैसे नोन टू अननोन जब आए ना, मेरी जितनी मैंने अंडरस्टैंडिंग बनाई है, उससे आप जब भी नोन टू अननोन आए ना क्वेश्चन में, तो एनालिसिस मेथड अगर दे रखा हो तो वो लगा के आना, वो और सटीक आंसर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, आप कॉन्क्रीट से जो दिख रहा है उससे आप एब्स्ट्रैक्ट रूल की तरफ जा रहे हैं आगमन के अंदर, यानी इंडक्टिव के अंदर। ठीक है, ये टेबल लिख लीजिए, एक दो बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिमाग में कॉन्सोलिडेट हो जाएगी और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओरिजिनेटर ऑफ प्ले वे मेथड, अब प्ले वे मेथड किसने दिया था? अब प्ले वे मेथड दिया था हेनरी कॉन्डवेल कुक ने। ठीक है, ये इंग्लिश मूल के थे, इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था प्ले वे। ठीक है, और इन्होंने ही प्ले वे मेथड के यानी खेल विधि के ये जन्मदाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सबको बोनस में एक फ्री मार्क्स मिल गया था उस टाइम पे।
फ्रोबल जो थे ना, वही फ्रोबल ने किंडरगार्टन मेथड की बात की थी, यानी केजी क्लास जिस पे शुरू होती है ना, केजी की फुल फॉर्म होती है बेटा किंडरगार्टन, ठीक है, याद रखिएगा। और उसमें उसने फ्रोबल ने बहुत सारे गिफ्ट्स की बात की थी, तो वो सारा है। मारिया मोंटेसरी ने भी प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात की थी, छोटी बच्चों के साथ कैसे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड आप एक्सपीरियंसेस दो, बच्चों को खुद मौका दो कि वो क्या अपने डेली रूटीन यानी हाथ धोना वगैरह वो सब चीजें करे। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड बातें ही मारिया मोंटेसरी की थी। डाल्टन ने भी मेथड दिया था, ठीक है, वो नहीं है। सिगमंड फ्रॉयड जो है उसने साइको एनालिसिस की बात की थी, मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस की बात की थी, यानी कि जो अनकॉन्शियस कॉन्शियस सबकॉन्शियस उस सारी बातें की थी, वो इसके अंदर नहीं है। इसका आंसर जो है वो बोनस है। सर, गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह, गणित विषय का क्या महत्व है, ये हेल्प करता है स्टडी ऑफ साइंस सब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि गणित का और साइंस का आपस में बहुत अच्छा कोरिलेशन है, तो ये मदद करता है, ये इम्प्रूव करता है लॉजिकल थिंकिंग को, बिल्कुल सही। ये यूजफुल है डेली लाइफ में, यानी ये हमारे व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, बिल्कुल सही। आप सब्जी खरीदने जा रहे हो या आप कोई चीज लेने जा रहे हो दुकान से, तो आपको जो है गणित के ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप जमा घटा इन चीजों का प्रयोग कर रहे हो। तो सब्जेक्ट मेथड गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व इन्हीं सभी बातों से है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा डी। गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता, किसका प्रयोग नहीं किया जाता मैथ्स की लैंग्वेज के अंदर। मैथ्स फॉर्मूला, इसका प्रयोग तो किया जाता है भाई। मैथमेटिकल सिंबल्स, इसका भी प्रयोग किया जाता है। गणित की डिजिट यानी 0 1 3 ऐसे डिजिट जो हो गई ना, वो उनका भी प्रयोग किया जाता है। तो तीनों का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। वैसे इन्होंने नन ऑफ दिस बड़ी गलत ढंग से ये लिख कर दे रखा है कि इन तीनों का ही किया जाता है, तो इनमें से कोई नहीं, ये नहीं है, ये तीनों तो की ही जाती है ना, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी ये होना चाहिए था कि तीनों का ही किया जाता है, तो वो ज्यादा सार्थक होता। मतलब नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, किसी का नहीं किया जाता, ये तो गलत है ना, तीनों का तो किया जाता है। और इसमें वो है कौन सी यूज नहीं की जाती, तो तीनों ये की जाती हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो आएगा वो आएगा डी, नन ऑफ दिस। किसी का भी नहीं किया जाता, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, तीनों का किया जाता है। तो यही आंसर है कि गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता, इनमें से कोई नहीं, ये गलत है क्योंकि सभी का किया जाता है। व्हाइल प्लेइंग राम मेक्स अ क्वाड्रिलेटरल विथ 4 स्टिक्स एंड मेक्स द फॉलोइंग टेबल इन अ कॉपी। राम ने जो है ऐसी एक टेबल बनाई, यानी कि स्टिक से, 4 स्टिक से जैसे उसने बना लिया कि एक एक क्वाड्रिलेटर बना, और उसने कहा फिर 4 और 4 8, 8 स्टिक से मेरे 2 क्वाड्रिलेटरल बने। ऐसे उसने कहा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 स्टिक से जो है मेरे क्वाड्रिलेटरल 3 बने, 1 2 3। तो राम क्या कर रहा है, क्या राम सिर्फ खेल रहा है? नहीं, राम जो है वो सिर्फ मैथ्स कर रहा है ये भी नहीं है, राम खेल भी रहा है और मैथ्स भी कर रहा है, गणित कर रहा है, क्योंकि वो एक पैटर्न डिस्कवर कर रहा है। वो कह रहा है 4 स्टिक 1 क्वाड्रिलेटरल, 8 स्टिक 2 क्वाड्रिलेटरल, 12 स्टिक 3 क्वाड्रिलेटरल, तो एक पैटर्न बनाया है ना उसने, एक रेशियो फिक्स है 1:4 की। 2:8 को भी आप 1:4 लिख सकते हो, 3:12 को भी 1:4 लिख सकते हो, तो एक रेशो उसने देखी ना कि एक रेशो से वो बढ़ रहे हैं, तो यही इसका आंसर है सी। उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत किसके लिए होती है? मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, सभी के लिए? सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि रेमेडियल टीचिंग के अंदर पहले हो, इससे पहले होती है डायग्नोस्टिक टीचिंग, जिसमें आप पता लगाते हो कि क्या दिक्कत है, निदानात्मक शिक्षण, और उसके बाद निदान को, जैसे कि डॉक्टर जो है पहले डायग्नोज करता है कि बीमारी क्या है और फिर रेमेडी देता है ना, फिर दवाई देता है, इसी तरीके से डायग्नोस्टिक शिक्षण के अंदर आप देखते हैं कि बच्चे को कौन से कॉन्सेप्ट में कहाँ दिक्कत आ रही है, और फिर आप रेमेडियल टीचिंग करते हैं। अब भाई कॉन्सेप्ट की दिक्कत किसी भी बच्चे को आ सकती है, एवरेज बच्चे को, वीक बच्चे को, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन को, तो सभी के लिए उपचारात्मक शिक्षण है और जरूरी है, वो शिक्षण शिक्षिका को करना चाहिए। गणित की अच्छा पाठ्य पुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ऑल द क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज बी सॉल्व, यानी प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल किए हुए हों, ऐसा तो गलत है, अनसॉल्व भी होने चाहिए। अगर सारे ही सॉल्व होंगे तो फिर बच्चे को इंटरेस्ट क्या आएगा करने का, वो अपने कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई कर पाएगा। इट मस्ट कंटेन अ सफिशियंट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन इन एक्सरसाइज, पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न हो, बिल्कुल सही,
क्योंकि पर्याप्त मात्रा बिल्कुल सही है, क्योंकि सफिशियंट ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ढेरों दे दिए और या फिर बहुत कम दे दिए। सफिशियंट नंबर होगा एग्जाम्पल्स का तो उसे सीखने को मिलेगा, और क्वेश्चंस होंगे तो उसे प्रैक्टिस करने को मिलेगी। उदाहरण ज्यादा तथा प्रश्नावली में प्रश्न कम हो, ये गलत है। उदाहरण कम तथा प्रश्नावली में प्रश्न ज्यादा हो, ऐसा भी नहीं करना। पर्याप्त मात्रा, देखिए इसमें क्वेश्चन में आंसर जो ज्यादा बेटर है वो है सफिशियंट नंबर। सफिशियंट यानी पर्याप्त, पर्याप्त है तो ठीक है ना। आप यू कहो कि ये ज्यादा वो कम, उससे बेटर आंसर तो ये ना सफिशियंट ही होगा, यानी कि जो सही है। तो इसलिए इसका आंसर बी लगा के आना, डी नहीं। वैसे ज्यादातर किताबों में क्या होता है, एग्जाम्पल कम होते हैं, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, वो हमारी जनरल नॉलेज और अवेयरनेस से हमें पता है। मगर देखिए उससे बेटर एक आंसर अवेलेबल है इस क्वेश्चन के अंदर कि पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न। तो हमें ऐसे आंसर को चुनना है ना जो और भी बेहतर हो, तो इसलिए इसका आंसर बी है। अब हम करेंगे एपी टेट 2018 लेवल 2 के क्वेश्चन। द ऑथर ऑफ द बुक डेटा इज, डेटा किताब भाई किसने लिखी थी, ये लिखी थी यूक्लिड ने। ये किताब लिखी थी यूक्लिड ने, उसने हमारे एग्जियम्स भी दिए थे बहुत सारे, जैसे कि अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए सी के बराबर है। तो इस तरीके की उसने कई एग्जियम्स भी दिए थे जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। कभी ऐसा मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगी मॉक में, तो अभी के लिए देख लेते हैं कि डेटा बुक जो थी वो यूक्लिड ने लिखी थी। द हाइएस्ट ऑब्जेक्टिव इन कॉग्निटिव डोमेन, यानी कि संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक क्षेत्र का अत्युन्नत लक्ष्य है, यानी कि सबसे हाइएस्ट ऑब्जेक्टिव क्या है भाई वो जो है। वैसे जो हमारी एक 1956 में जो ब्लूम ने दी थी ना, उसमें सबसे ऊपर था इवेल्युएशन, ठीक है। उसके बाद जो उसने जो टेक्सोनोमी थी वो 2001 में रिवाइज हुई, और उसमें क्या किया गया, जो हमारा उसने सबसे पहले दी थी, आप यहाँ पे देखिए सबसे नीचे थी पहले नॉलेज, ठीक है, उसके ऊपर था कॉम्प्रिहेंशन, उसके ऊपर था एनालिसिस, और फिर था सिंथेसिस, और फिर था इवेल्युएशन। ये उसने जो दी थी वो 1956 में दी थी। फिर इसको जो है वो रिवाइज किया गया, रिवाइज किया गया तो जो नॉलेज शब्द था ना यानी ज्ञान, उसकी जगह आ गया हमारा रिमेंबर, यानी कि याद कर पाना, और उससे रिलेटेड हमारे यूज की गई वर्ब्स यानी कि क्रियाएं, जिससे कि इन क्रियाओं की मदद से, इन क्रियाओं को लिखते हुए टीचर जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव बना सकती है और पता कर सकती है कि मैंने अगर लिखा है, टीचर ने एक ऑब्जेक्टिव है द स्टूडेंट्स विल अरेंज, बच्चे अरेंज करेंगे। तो अब अरेंज शब्द है ना, अरेंज वर्ब है, जो वो वर्ब है वो रिलेटेड है रिमेंबर वाले ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। इससे जो कि सबसे नीचे तौर पे हमारा कॉग्निटिव डोमेन में आता है, ठीक है। नॉलेज को ही दूसरा नाम रख दिया गया रिमेंबर 2001 के अंदर। अब जो कॉम्प्रिहेंशन है ना, उसका नाम बदल के रख दिया गया अंडरस्टैंड, और अंडरस्टैंड समझ पे आधारित जो है वो वर्ब होती हैं, देखिए एक्सप्लेन कर पाना, समराइज कर पाना, इन्फर कर पाना, पैराफ्रेज कर पाना, डिस्कस कर पाना, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारा, यहाँ पे एक रह गया भाई एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन वैसा का वैसा रहा, सबसे नीचे नॉलेज वो रिमेम्बर बन गया, कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग बन गया, तीसरा एप्लीकेशन था जो आपने ज्ञान सीखा है उसको अप्लाई कर पाना, चौथा है एनालिसिस चीजों को तोड़ कर देखना, ब्रेक डाउन, कैलकुलेट, मॉडल, सब डिवाइड, ये सब इसके अंदर आ गया। और पांचवा जो था ना सिंथेसिस, और छठा इवेल्युएशन, इनका भाई इंटरचेंज हो गया, ठीक है। अब 2001 वाली टेक्सोनॉमी में सबसे ऊपर आ गया सिंथेसिस, जिसका नाम बदल के रख दिया गया क्रिएट, ठीक है, और उसके नीचे आ गया इवेल्युएशन। तो 2001 में अगर देखा जाए कॉग्निटिव डोमेन में हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो है क्रिएट, जनरेट करना, प्लान करना, कोई नई चीज बनाना, ठीक है। और उससे पहले जो थी 1956 में जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी थी, उसमें सबसे ऊपर जो था वो था हमारा इवेल्युएट। ये क्वेश्चन जो है ये पुराने पे आधारित है, और ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे देखिए क्रिएट का कुछ दे नहीं रखा, तो इसलिए हम इवेल्युएशन को आंसर लगा देंगे। सिंथेसिस तो हमने देखा कि नीचे की ओर है, ठीक है, और सिंथेसिस इन्होंने दे दिया, ठीक है। मगर सिंथेसिस यहाँ पे 1956 में पांचवें नंबर पे था, जो कि 2001 के अंदर सिंथेसिस का नाम बदल के क्रिएट कर दिया गया। अगर यहाँ पे आंसर क्रिएट होता ना, तो हमारा ज्यादा बढ़िया आंसर हम लगा के आते क्रिएट वाला, मगर सिंथेसिस इन्होंने पुराना ही शब्द दे रखा है, तो शायद वो पुराने ही टर्म्स में पूछना चाह रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर हम इवेल्युएशन यानी कि क्रिटिक कर पाना, जज कर पाना, तो ये है, ठीक है। ये हमारे करेक्टराइजेशन और नेचुरलाइजेशन भाई, ये जो है ये हमारे अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड है। चरित्र चित्रण जैसे आपने देखा वो हमारा करेक्टराइजेशन, ये हमारा अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड है।
और स्वाभाविकरण नेचुरलाइजेशन ये हमारा साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड है। प्रोजेक्ट इज अ बिट ऑफ रियल लाइफ दैट हैज बीन इम्पार्टेड इनटू स्कूल डिफाइंड बाय। परियोजना का मतलब है पाठशाला में आयात किया गया निज जीवन का एक भाग। भाई ये जो स्टेटमेंट दी थी ना, अब थोड़ा इंसान सोचता है कि किला पिटरिन ने प्रोजेक्ट मेथड दिया तो प्रोजेक्ट मेथड की ये बात जो है उसने की होगी। नहीं भाई, ये उसने नहीं करी, ये बेलार्ड ने करी है। तो इसका आंसर जो है वो बेलार्ड है। थोड़ा देखिए ऐसे क्वेश्चंस को, एक दो बार पढ़ लीजिए, लग गया कि आपका पेपर में आ गया और आपने पढ़ रखा हो तो हो जाएगा, क्योंकि ऐसी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा रट के आप जा नहीं सकते। तो इनको बस मोटे तौर पे सरसरी नजर से देखिए। परियोजना का मतलब है पाठशाला में आयात किया गया निज जीवन का एक भाग, ये बेलार्ड ने कहा। एजर्ड डेल के अनुसार लोएस्ट अमाउंट ऑफ लर्निंग कौन सी है, इससे हमारी लोएस्ट अमाउंट ऑफ लर्निंग होती है। आप देखिए एजर्ड डेल ने हमारे कोन ऑफ एक्सपीरियंस दिया जिसमें उसने कहा कि हम जो है सबसे नीचे जो होती है वो कॉन्क्रीट होती है, यानी आप जो है मूर्त चिंतन कर रहे हैं और धीरे धीरे वो मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट होता रहता है, यानी कि आपकी सबसे कम इन्वॉल्वमेंट होने लग जाती है। जैसे कि डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस, यानी कि ऐसे एक्सपीरियंस जिनमें आप बिल्कुल जुड़े हुए हैं, आप खुद करके देख रहे हैं, वो सबसे ज्यादा मीनिंगफुल होते हैं। और जैसे जैसे वर्बल फिंबर सिर्फ किताबों से पढ़ लेना, वो जो होती है वो लोएस्ट अमाउंट ऑफ लर्निंग होती है, वो आपको ज्यादा देर तक याद नहीं रहती। तो लोएस्ट अमाउंट ऑफ लर्निंग यानी अल्प लय अधिगम का प्रदान करना, वो है भाई वर्बल सिंबल्स, ठीक है। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लर्निंग होगी वो होगी डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस है। थोड़ा इनको देख के जाना, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस सबसे नीचे, उसके बाद कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंस यानी कि टीचर ने आपके लिए करके देखे हैं, यानी ग्लोब लेकर आई, ये सब ड्रामेटिक जिसके अंदर आप पार्ट ले रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन टीचर जो करके दिखा रही है, फील्ड ट्रिप यानी आपको किसी फैक्ट्री वगैरह इन सब में लेके गई टीचर, एग्जीबिशन जो आपने लगाए हैं, मोशन पिक्चर्स एंड टेलीविजन यानी इसके अंदर आपकी आंखें और आपका पिक्चर दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं, यानी आप देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं, रेडियो रिकॉर्डिंग्स और स्टिल पिक्चर्स, आप सिर्फ जो है वो ऐसी फोटो देख रहे हैं या फिर सिर्फ श्रवण कर रहे हैं, विजुअल सिंबल्स सिर्फ जो है देखना, वर्बल सिंबल्स, विजुअल सिंबल्स देखना और वर्बल सिंबल जो है जैसे लैंग्वेज वगैरह आप जो है उन जिनसे पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, या फिर मतलब बोलने से आधारित, वर्बल जो है वो हमारे बोलने से आधारित, ठीक है। तो बोलने वाले जो है वो उनसे हमारी लोएस्ट अमाउंट ऑफ लर्निंग हो रही है एज अ डेल के अनुसार। गणित में योग्यता को बढ़ाने में बाधा उत्पन्न करने वाला अंश है, बाधा किससे उत्पन्न होगी, गुड मेमोरी से, अच्छी स्मृति से, इससे बाधा थोड़ी उत्पन्न होगी, ये तो मदद करेगी, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड यानी अब अगर गणित में आपकी अभिरुचि है, यानी अगर आपको ट्रेनिंग दी जाए तो आप उसके अंदर बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो चीज कहलाती है एप्टीट्यूड, तो वो तो मदद करेगा, इसलिए ये आंसर नहीं है। अनप्लीजेंट होम इन्वायरमेंट, हाँ प्रतिकूल गृह वातावरण होगा, घर के अंदर कलेश और ये सब होता रहेगा, तो आपकी मैथमेटिकल टैलेंट अगर आपके अंदर होगा भी तो वो बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि आप जो है अच्छी तरीके से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि घर जो है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी है, अगर उसमें ही वातावरण अच्छा नहीं होगा तो आपका टैलेंट निखर कर नहीं आएगा। टीचर की एंकरेजमेंट, ये तो पॉजिटिव बात है, अगर टीचर आपको एनकरेज करेगी, आपके टैलेंट पे काम करेगी तो वो तो और उभर कर आएगा, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं है। इसका आंसर है अनप्लीजेंट होम एनवायरमेंट यानी प्रतिकूल गृह वातावरण। द एकेडमिक स्टैंडर्ड टू बी टेस्टेड थ्रू द फॉलोइंग टेस्ट आइटम, एक टेस्ट आइटम दिया गया है, इससे आपको पता लगाना है कि आप कौन सा शैक्षिक मापदंड करेंगे, ठीक है। सुधाकर का एक महीने का वेतन 12,500 रुपए है, अगर उसने गृह संबंधी जरूरतों के लिए 9,300 रुपए खर्च किए तो कितने रुपए बचे, तो इसमें कितने रुपए बचे तो क्या करना है। अब ये जो है आप कोई रीजनिंग या कोई आप प्रूफ दे रहे हैं, जैसे कि आप जो है मैथ में देते हैं प्रूफ्स की, ये ए के बराबर है, बी बी के बराबर है, ऐसे कोई प्रूफ नहीं कर रहे ना, तो ये नहीं होगा। रिप्रेजेंट या विजुअलाइज कर रहे हैं आप इसे नंबर लाइन में या किसी और चीज से शो करके दिखा रहे हो, वो भी नहीं है। कॉम्युनिकेट यानी संप्रेक्षण, आप कॉम्युनिकेट भी नहीं कर रहे हो, आप जो है वो कनेक्शन स्थापित कर रहे हो यानी संयोजन कर रहे हो। 12,500 में से आप 9,300 को घटा कर रहे हो, दो चीजों के बीच में आपने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया, एक कनेक्शन बनाया कि मेरे को रिमेनिंग निकालना है तो मेरे को उसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो ये जो है ये टेस्ट कर रहा है कनेक्शन बनाने को, ये स्टेटमेंट, तो इसलिए इसका आंसर आएगा संयोजन। एरिया ऑफ इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट, जैसे कि अगर हमें एरिया निकालना है किसी पत्ती का, तो ठीक है वो आप कैसे निकाल सकते हो, टेप के द्वारा,
मैं टेप ऐसे ऐसे ले जाके कैसे लेकर जाओगे, टेप भी नहीं है। स्केल के द्वारा आप कैसे एरिया निकाल पाओगे, क्योंकि उसकी तो इररेगुलर फिगर हो गई ना ये। मेजरिंग सिलेंडर से ये भी नहीं है, ग्राफ पेपर से। आपने देखा होगा कि ऐसे ग्राफ पेपर के ऊपर उस पत्ती को रख दिया जाता है और फिर गिने जाते हैं कि अगर एक पूरा जो स्क्वायर है 1/1 का वो पूरा कवर कर देती है तो 1 माना जाता है, अगर आधे आधा या आधे से ज्यादा करती है तो भी उसे 1 माना जाता है। और अगर यहां पर देखिए ये आधे से काफी कम कर रही है तो इसको कुछ नहीं माना जाता। तो इस तरीके से फिर बॉक्सेस को गिन लिया जाता है और बता दिया जाता है कि इस लीफ का या किसी इररेगुलर शेप का इतना एरिया है, तो इसलिए ग्राफ पेपर को यूज किया जाता है। अब है क्वेश्चन पीटेट लेवल 1 के। एब्सेंटिज्म कैन बी स्टॉप्ड बाय, यानी कि बच्चे जो हैं वो रेगुलर अनुपस्थित रहते हैं तो उसको कैसे स्टॉप किया जा सकता है, टीचिंग शिक्षण दे देके। शिक्षण तो हो ही रहा है फिर भी वो एब्सेंट रहते हैं, तो इसलिए ये आंसर नहीं है। पनिश करना, बच्चों को दंड दोगे तो वो तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे, पनिशिंग तो वैसे भी करनी ही नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। स्वीट्स देकर, मिठाई का प्रलोभन देकर आप बच्चों को एब्सेंटिज्म बंद करेंगे, नहीं ऐसा भी नहीं होगा, ये भी ज्यादा दिन कुछ चलने वाला काम नहीं है। कॉन्टेक्ट करेंगे पेरेंट्स से, हाँ पेरेंट्स से बात करेंगे कि आपका बच्चा जिस स्कूल में क्यों नहीं आता, क्या बात है, क्या दिक्कत है, क्या समझ में नहीं आ रहा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम करेंगे, तो वो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है और वही जो है वो एब्सेंटिज्म यानी कि ना आने की समस्या को स्टॉप करें। विच ऑफ द स्किल्स डू यू कंसिडर मोस्ट एसेंशियल फॉर अ टीचर, आप एक शिक्षक के लिए बहुत ही एसेंशियल स्किल किसे समझते हैं? एनकरेज करना बच्चों को कि वो किसी नॉलेज को सर्च करे, किसी ज्ञान को सर्च करे, ये तो सही लग रहा है। हैव ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में सारी जानकारी हो। बच्चों के बारे में जानकारी होने से क्या होगा, आपको बच्चे के ऊपर उस बच्चे को कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज बनवाना है, यानी बच्चा ज्ञान की संरचना करना पड़े तो आपको उसके लिए अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, आपको उस तरीके की गतिविधियां करवानी होगी। आप उसका सिर्फ इंफॉर्मेशन का एक कार्ड लेकर आप जो है उसकी मदद थोड़ी कर पाएंगे। एबिलिटी टू मेक चिल्ड्रन मेमोराइज मटीरियल, बच्चों को रट्टा मरवाने के लिए प्रेरित करना ये गलत है, मेमोराइज तो करवाना ही नहीं है। इनेबल चिल्ड्रन टू डू वेल इन टेस्ट, सिर्फ बच्चों को परफॉर्मेंस गोल्स की तरफ करना ये भी गलत है, बच्चे को मास्टरी गोल्स की तरफ हमें ओरिएंट करना है। अगर वो टेस्ट में बस टेस्ट की परफॉर्मेंस और उसमें मार्क्स लाने के लिए रहेंगे तो वो लर्निंग यानी अधिगम में वो मजा रस ये सब नहीं ले पाएंगे और उसका एक्टिव पार्ट नहीं बन पाएंगे। उनको ऐसा लगेगा जो कुछ मैं सीख रहा हूँ वो सिर्फ मेरे को पेपर में काम आता है, वो असल जिंदगी से उस ज्ञान को नहीं जोड़ पाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर है सक्सेस इन डेवलपिंग वैल्यूज इज मेनली डिपेंडेंट अबाउट, यानी आपको मूल्य शिक्षण देनी है, यानी मूल्य वाली बातें करनी है, वो डेवलप करवानी है, तो भाई वो सबसे पहले शुरू हो जाती है आपके परिवार से। बच्चा परिवार में अगर देखता है कि मेरे माता पिता एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं तो वो उस तरीके से क्लास में आके भी झूठ बोलने लग जाता है, तो फैमिली जो है उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। एज अ हम भी अगर अपने बच्चों को देखना चाहेंगे तो हम वैल्यूज जो बच्चा सीखेगा तो वो हमसे ही सीखेगा, क्योंकि हम जो है वो प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी है। तो वैल्यूज की सक्सेस डेवलप करने के लिए मेनली डिपेंड करती है फैमिली पे, फैमिली में एज अ पेरेंट्स और या फिर उसके भाई बहन हैं या दादा दादी नाना नानी जो भी हैं उन उनसे बच्चा बहुत कुछ सीख रहा है। तो आप जो है ऐसी वैल्यूज को खुद भी फोस्टर कीजिए और खुद भी दिखाइए जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के अंदर आप देखना चाहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो है 3 फैमिली। ये इस एग्जाम की आंसर की है, आप देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसे देख के कोशिश करूंगी उसको और सॉल्व करने की। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद।